सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें मेरा जो फोकस होगा वो बैकएंड पे होगा ज़्यादा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डेटाबेस पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है, और हमने सिर्फ उसे टच किया था। ठीक है, हमने बात की थी कि टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड फिर हमने उसको सीक्वल के साथ पाइथन के साथ क्या कर दिया था, कनेक्ट करके छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया था ताकि हमें आइडिया हो जाए कनेक्टिविटी का। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो डेटाबेस है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का। अगर आपने एक प्रॉपर डेटाबेस नहीं बनाया, प्रॉपर टेबल्स नहीं बनाए, तो आपका सिस्टम वहीं क्रैश हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हमने लास्ट में भी कहा था कि किसी भी सॉफ्टवेयर में तीन पार्ट होते हैं, एक जो कस्टमर देखता है, वो प्रेजेंटेशन है। वो प्रेजेंटेशन बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स सपोज अगर एक एम्प्लॉई यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर, से फर्क नहीं पड़ता कितना कलरफुल है उसका काम है काम करना। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन कैन बी गुड बैड और एवरेज, चलेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है जी, राइट। बट जो काम आप कर रहे हैं अगर वही नहीं कर पाएंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अरे ये बात समझते हैं? तो उसमें दो पार्ट प्ले करते हैं, एक तो बिजनेस लेयर जो हमने कहा था मिडल में है, जहां पे हमने फॉर्मुलेस लगाने हैं। ठीक है जी, राइट, कि काम कैसे करना है, किस तरह से होगा, और एक जहां पे जाके हमारा डेटा क्या होना है स्टोर। एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ डेटा, कि आपके पास क्या डेटा है आप उसी पे काम करोगे ना। ठीक है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ परचेज करना है तो पहले उसके लिए कोई डेटा भी तो होना चाहिए ना, क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, अगर वो प्रॉपर नहीं स्टोर मेरे पास तो मैं कैसे काम करूंगा। अगर मैंने एक ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर प्रॉपरली जाके कहीं ना कहीं होना चाहिए ना सेव या मैनेज, ऑर्डर कब डिस्पैच होना है, क्या करना है, रिपोर्टिंग, कितने ऑर्डर्स हैं जो अभी तक हमारे पास पेंडिंग है, कितने डिस्पैच हो गए। ठीक है, राइट। तो आज हम डेटाबेस वाले पार्ट को थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि पाइथन हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं। डेटाबेस वाले पार्ट में हम क्या टच करेंगे, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आज के टेबल्स कितने बनने चाहिए। ठीक, क्या एक ही टेबल बनना चाहिए या मल्टीपल बनने चाहिए। अगर मल्टीपल बनने चाहिए तो टेबल कैसे बनते हैं, पीछे फॉर्मूला क्या लगता है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैंने आज सोचा कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो मैंने उठते ही टेबल बना दिया स्टूडेंट नाम से, एक टेबल एग्जाम नाम से, एक टेबल अटेंडेंस नाम से, एक टेबल मार्क्स नाम से। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिकॉज दैट यू गाइस थिंक अच्छा ऐसा होता होगा। ठीक है जी, तो कभी भी कोई चीज हवा में नहीं बनती कि अच्छा मैं होटल का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूं तो एक टेबल रूम का बन जाएगा, एक टेबल बुकिंग का बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर टेबल बनाने के पीछे एक फॉर्मूला लगा होता है कि वो टेबल क्यों बन रहा है, उसकी एक वजह है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत किया, आपने एक कॉलम ज्यादा बना दिया, लेट्स सपोज आपने एक टेबल ज्यादा बना दिया, तो कल को जाके आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्केल होगी, क्या होगी, स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप बना इंडिया में, सो इंडिया में विल टेक 8 बिलियन पीपल। कितने लोग हैं, 8 बिलियन पीपल, आउट ऑफ विच 4 to 5 बिलियन पीपल, 6 बिलियन लेके चलो, आर अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी। दैट मीन दे आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप। सो हम आइडिया लेके चले, नॉट एग्जैक्ट फिगर बट आइडिया लेके चले, 2 बिलियन लोग क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक यूजर लेट्स सपोज 10 मैसेज भेजा है रोज से। ऑन एन एवरेज एक यूजर व्हाट्सएप पे कितने मैसेज भेज रहा है, 10 मैसेज। क्योंकि आपको लगा 10 नहीं होंगे, बट 10 आराम से हो जाते हैं। हेलो हाय लिखते, हाउ यू लिखते, 3 मैसेज हो जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, राइट। सो 2 बिलियन कितने होते हैं, 2 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 20, 10। उसके बाद उस मैसेज को डिलीवर करने के बाद सिंगल टिक का फॉर्मूला डेटाबेस में स्टोर होना है कि एक टिक हो चुकी है, मतलब डिलीवर हो गया। डिलीवर कॉलम के अंदर स्टेटस यस, उसकी वैल्यू इंसर्ट होनी है क्यूरी। फिर डबल टिक डिलीवरी, डिलीवरी के सेंड हो गया, देन डिलीवरी, देन द ब्लू टिक रीड। सो फॉर एग्जांपल फॉर वन मैसेज हाउ मेनी क्यूरीज यू आर परफॉर्मिंग, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने बिलियन क्यूरीज। अभी बात समझ में क्लियर। अब 80 बिलियन को डिवाइड कर लो 86,004 जितने भी सेकंड्स होते हैं, तो पर सेकंड कितनी क्यूरी हो, तकरीबन 1,00,000 के करीब पहुंच जाता है। हर सेकंड में 1,00,000 मैसेज इंडिया में, इतनी सीक्वल क्यूरीज चल रही हैं हर सेकंड। अभी बात समझ में। जब व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ होगा तो इस तरह से नहीं स्टार्ट हुआ होगा, पहले उन्होंने छोटा सोचा होगा कितने लोग कवर करेंगे, कितने लोग कवर करेंगे, बढ़ते बढ़ते इतना हो गया।
ठीक है जी। सो अगर आपने अपना पहले ही डेटाबेस हिसाब से नहीं बनाया कि वो स्केल हो सके, ठीक है जी, राइट, तो आपकी एप्लीकेशन महीने के अंदर क्रैश हो जाएगी। प्ले स्टोर में जाओ अपने, जो भी तुम्हारा आईफोन है या एंड्रॉयड है, उसमें लाखों एप्स हैं, बट आपके मोबाइल में लाखों एप्स नहीं है। आपके मोबाइल में आप सिर्फ वही ऐप इंस्टॉल करते जो सबसे फेमस है। सो मैंने इंस्टॉल किया फेसबुक, मैंने इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम जैसी कितनी एप्स हैं, कितनी एप्स आई, कितनी चलेगी, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो स्केल ही नहीं हो पाई। किसी भी ऐप ना चलने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण कि वो उसे अच्छी तरह से मार्केट नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, एडवर्टाइज नहीं कर पाए, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। बट मेजर आईटी के अंदर 80% फैक्टर क्या काउंट हो गया कि आप उसे स्केल ही नहीं कर पाए। आपका यूजर आया, उसके बाद जैसे जैसे ज्यादा यूजर आते गए, आपकी ऐप उसे संभाल ही नहीं पाई। आ रही है बात समझ में? तो एज अ स्टूडेंट आप कभी ये सोचते नहीं हो। एज अ स्टूडेंट आपकी सोच क्या होती है, सर ने एक प्रोग्राम दिया सॉल्व कर देना, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट आया बस बना के सबमिट कर देना। अरे बात समझ में? आपका कभी भी मकसद उसे चलाना था ही नहीं अभी तक कि हमने उसे क्या करना है, चलाना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू गाइस एंड एंटरप्रेन्योर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एज अ स्टूडेंट एंड अ पर्सन हु इज अ एंटरप्रेन्योर, कि वो जब एप्लीकेशन बनाता है तो उसे चलाने के मकसद से बनाता है। आप एक फॉर्मेलिटी से बनाते हो कि आउटपुट आ जानी चाहिए। आउटपुट आ गई मतलब हमारा सॉफ्टवेयर चल गया। वो रियल एनवायरनमेंट में चल पाएगा कि नहीं पाएगा हमें नहीं पता। 10 बंदे आगे एक साथ सॉफ्टवेयर यूज करने क्रैश हो गया, हमें नहीं पता। ठीक है जी, देखते हो ना ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड सीबीएसई जैसे रिजल्ट आता है क्या हाल होता है वेबसाइट्स का, देखते हो ना। वो स्केल ही नहीं कर पाती अपने आप एप्लीकेशन उस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा यूजर आ जाता है। कोडिंग तो वही है, कोडिंग तो नहीं ना चेंज हुई, ठीक है जी, राइट। नॉर्मल हर रोज वेबसाइट चल रही थी सेम स्पीड में, लेकिन जैसे स्केल हुई, जैसे यूजर ज्यादा आया, तभी सिस्टम खराब हो गया। मैं ये तो नहीं मानने को तैयार कि सीबीएसई का इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, सर्वर स्लो होगा, ठीक है, दे मस्ट हैव इंप्लीमेंटेड समथिंग गुड यार, इतनी बड़ी गवर्नमेंट के अंदर है, उनका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर बहुत अच्छे हैं। इट इज जस्ट दैट माइट बी प्रॉब्लम, हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम हो, बट बहुत मेजर कारण है कि उनकी इश्यू हो सकता है कि जो डेटा क्या कर रहे हैं मैनेज। बात समझ? तो आज हम अभी नहीं, पहले 15 मिनट तो मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, दोबारा प्राइमरी की फॉरन की इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हमारा डेटा कैसे बनना चाहिए, हमारे कैसे टेबल्स बनने चाहिए, कितने टेबल्स बनने चाहिए, क्या फार्मूला है उसके बीच में, टेबल्स को कैसे स्प्लिट करना है। एक टेबल पहले मैंने सोचा, बट बाद में मैंने देखा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे उसे कितने टेबल्स में स्प्लिट करना है पहले से, नहीं स्टार्टिंग से एक टेबल ही बनाना है, 3 टेबल में कन्वर्ट करूंगा इस टेबल को मैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है जी। सो आज हमारा फोकस क्या है, अपनी कौन सी नॉलेज बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग करना, बैक एंड की नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना, डन, ठीक है, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट ऐप बनाओगे तो इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या फीचर किसमें दे रहे हैं, ठीक है। चलो पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल टेबल की, जब लास्ट टाइम हमने बात की आरडीबीएमएस की, तो जब हमने आरडीबीएमएस की बात की थी तो हमने कहा था डेटा किसमें स्टोर होगा, टेबल्स में स्टोर होगा, ठीक है जी। बट टेबल्स में क्या प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है स्टूडेंट नाम से, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें क्या स्टोर किया है, नेम, कोर्स फीस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड करते हैं कुछ स्टोर करते हैं। सो लेट्स स्टोर,
सामने देखो। सो ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। नाउ इश्यू विद दिस टेबल इज दैट लेट्स सपोज आप गए और आपने क्यूरी चलाई, आप कहते हो कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, तो आपसे सामने वाला जो भी ऑफिस में बंदा पूछता है कि अपना नाम बताओ, आपने कहा मेरा नाम है राजेश। तो जब वो राजेश सर्च करेगा तो अब राजेश के हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड, 2, 20, 25 बैंक में जाओ बोलो राजेश नाम है, लाख रिकॉर्ड निकल आएगा। अरे बात समझ में, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिकॉर्ड आपका है, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमारे पास आरडीबीएमएस बनाने का मकसद ये था कि जब हमने बोला आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जहां पे रिलेशनल वर्ड था उसका मतलब था टेबल, उसका मतलब टेबल नहीं था, उसका मतलब था टेबल विद यूनिक रिकॉर्ड्स। उसका क्या मतलब था, यूनिक रिकॉर्ड, यानी कि हमारे पास हर रिकॉर्ड, एक रो मतलब एक रिकॉर्ड, हमारे पास हर रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए, ऐसा यूनिक होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली वही मिले जो हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि आज सिमरन सिमरन यूजर आईडी लिखे, लॉगिन करे तो किसी और फेसबुक के सिमरन में लॉगिन हो जाए। अरे बात समझ में, ठीक है, क्योंकि नाम क्या है सेम। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। सो हमारे पास हर रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली वही आए, ठीक है। प्लस हमारे पास कोई ना कोई ऐसा कॉलम आपके टेबल में ऐसा होना चाहिए जिसका हर रिकॉर्ड क्या हो, यूनिक हो, क्या हो, कि मैं वो एंटर करूं तो मुझे एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड आए, ठीक है। प्लस वो कॉलम जो है उसकी कोई भी वैल्यू कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नल होगी तो सर्च किस बेस पे करेंगे, अरे बात समझ में, बोलेंगे क्या, नल मतलब समझते हो ना, खाली जगह। नल इज नॉट जीरो, null is not space bar, null is nothing, that's it. Are you getting my point? When I say marks zero or when I say marks null, dono mein difference hai. When I say marks zero matlab zero marks hai, when I say marks null matlab ki abhi marks available nahi hai, ho sakta absent hai, ho sakta abhi paper check nahi hua, multiple reasons can be there. Are you baat samajh mein, bas marks nahi hai hamare paas, theek hai. So koi aisa column hona chahiye jiski वैल्यू क्या हो, यूनिक हो, प्लस क्या हो, नॉर्मल। तो फिर क्या हम लोग करते हैं, हम इसे एक नाम देते थे जो आप सबको पता है, वो नाम क्या है, प्राइमरी की। क्या नाम है, प्राइमरी की। सो एक कॉलम में एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए। तो प्राइमरी की कैसे बनती है, प्राइमरी की बनने के लिए पहले आप अपना सिस्टम छानते हो कि आपके सिस्टम में अभी जो डेटा है क्या उसमें कोई कैंडिडेट है जो प्राइमरी बन सकता है। नाउ कैंडिडेट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, कैंडिडेट क्या है, प्राइमरी की इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। जिस कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा दोगे उसमें, उस कॉलम में कभी भी ना तो डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो पाएगी, एरर आ जाएगा, ना ही नल या खाली छोड़ पाओगे, एरर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, ओके। अब बड़े ध्यान से समझो, सो हम लोग सबसे पहले अपना डेटा देखते हैं। सो हमारे टेबल में अभी कितने कॉलम्स हैं, 5, नेम, कोर्स, फीस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल। तो हमने इनमें से कैंडिडेट ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, कैंडिडेट ढूंढने हैं, ठीक है जी। कौन से कैंडिडेट ढूंढने हैं जो क्या बन पाए, प्राइमरी की बन पाए। सो हम क्या ढूंढेंगे, कैंडिडेट कीज, क्या ढूंढेंगे, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, नॉट प्रैक्टिकल, मतलब कि आप देयर इज नो सिंटैक्स कि आप किसी के ऊपर कैंडिडेट नहीं लगा रहे, ये सिर्फ हम बात में कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, ओके। सो इस टेबल में हमारे जो कैंडिडेट है वो कौन कौन बन सकते हैं इस टेबल में, अगर लेट्स सपोज हम स्टार्ट करें नेम के साथ, तो क्या नेम बन सकता है कैंडिडेट की, नहीं, क्यों नहीं बन सकता, सेम हो सकता है, नेम दो लोगों के क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, राइट। अगर आप नेम को प्राइमरी की आगे जाके बना दोगे, ठीक है जी, राइट। तो अगर लेट्स सपोज एक बंदे का नाम राजेश है तो दोबारा राजेश नाम का कोई बच्चा एडमिशन नहीं, अजीब लगेगा ना मार्केटिंग टर्म में कि आपका नाम का बच्चा एक ऑलरेडी है इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। आ रही बात समझ में, तो ये नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर हम किस पे आ गए, कोर्स तो वैसे ही नहीं हो सकता, वो भी सेम है, जावा जावा जावा, तो एक बार एडमिट एक कोर्स में इसका मतलब एक ही बच्चे की एडमिशन होगी, दूसरी बार जब उसका कोर्स सेम रिपीट होगा तो एरर आ जाए, ठीक है, राइट। फिर क्या है,
फीस भी क्या नहीं हो सकती कैंडिडेट, क्योंकि दो लोगों की फीस क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। अभी बात समझ में? फिर हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है जी, राइट। सो प्राइमरी की हो सकता है, मैंने यही बोला बेटा प्राइमरी की है, मेरी वर्ड ध्यान से सुनो, प्राइमरी की हो सकता है। तो ये हमारा क्या बन गया, कैंडिडेट बन गया, क्या बन गया, कैंडिडेट बन गया। क्लियर होगी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात, आप लेक्चर सुन नहीं रहे ध्यान से, मैंने बोला हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि होगा, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, ईमेल, ईमेल, ठीक है जी। सो ईमेल भी हमारे पास क्या हो सकती है, कैंडिडेट हो सकती है, परफेक्ट, ठीक है जी। सो इस पूरे टेबल में हमें दो डिजर्विंग लोग लगे, जो कि हमारे कॉलम लगे, जो हमारे क्या हो सकते हैं, तो हमारा फिल्टर हो गया बाकी कॉलम। अब हमें इन दोनों पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि इन दोनों में से हम कौन सा फाइनलाइज करेंगे या दोनों ही फाइनलाइज नहीं करेंगे। आई गेटिंग अ पॉइंट? तो हम लोगों ने लेटर्स किसके साथ स्टार्ट किया, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। तो आपने जब अपने कैंडिडेट बना लिए, आपने वर्स्ट से अब वर्स्ट सिचुएशन सोचनी है कि कभी ये कॉलम, कभी ऐसी सिचुएशन आए मार्केटिंग टर्म में कि ये कॉलम हमारा फेल हो जाए प्राइमरी की में, कि हो सकता है डेटा ना इंटर करवा पाए हम लोग, ठीक है। तो पहली सिचुएशन, जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक ही फैमिली से दो लोग आ गए और उनके पास एक ही फोन नंबर है, अरे बात समझ में। सो लेट्स सपोज रजत आ गया, ही इज अ फ्रेंड ऑफ प्रिंस, उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया कोई भी, ठीक है जी, राइट। एंड उसका जो नंबर है वो प्रिंस के, क्योंकि फैमिली से है, उनके पास एक ही नंबर है, अरे बात समझ में, क्लियर। तो इस केस में जैसे ही रिकॉर्ड एंटर होगा, अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर को प्राइमरी की बना दूंगा, तो जैसे ही रिकॉर्ड एंटर होगा तो हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, दैट मीन हम उसका रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर 1% भी चांस नजर आ रहा है तो हम फिर कैंसिल कर देंगे कि ये हमारी प्राइमरी की। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी की बने, आप एडमिट हो कि प्राइमरी की बने, तो फिर एक ही तरीका है कि उस बंदे को बोलोगे यूनिक कोई और नंबर दो अपना। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर को प्राइमरी की नहीं बना सकते, बना दो, ठीक है जी, राइट। आपको फिर उस बंदे को बोलना पड़ेगा कि वो दूसरा क्या दे, मोबाइल नंबर दे, इज दैट क्लियर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी, राइट। आप बोल सकते हो उसको कि नंबर दो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप प्राइमरी की बना सकते, बनाओ प्राइमरी की, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है जी। अब उसकी मर्जी है, बट आपकी टीम ने कहा, आपकी मार्केटिंग टीम ने, आप टेक्निकल हो, कि नहीं यार हम ऐसे एडमिशन नहीं वेस्ट कर सकते अपनी, ठीक है जी, राइट। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो नंबर सेम है, तो फिर आपने इसको इग्नोर कर दिया था, टेक्निकल पर्सन, नहीं यार मैं सिस्टम के लिए प्राइमरी की नहीं बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो योर ईच एंड एवरी डिसीजन इज डिपेंड अपॉन मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कैसे एग्जीक्यूट करना है मार्केट में। तो यू कैन नॉट डिसाइड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अ वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस जो आप बेच रहे हो, ठीक है जी, राइट, कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी, राइट, क्लियर है यहां तक, ठीक है, ओके। सो वी रिजेक्टेड दिस, ठीक है, एंड देन वी मूव टू ईमेल, क्लियर है, ठीक है। सो ईमेल इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बी अ प्राइमरी की। उसमें भी आप सोच सकते हो कि कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, लेट्स से एक बच्चा आया, कौन सा कोर्स करने, बेसिक्स का कोर्स करने, एंड अभी उसका ईमेल ही नहीं है, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं ईमेल आईडी क्या होता है, अरे बात समझ में, मैंने तो अभी सीखने आया हूं कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है कि हालांकि उसका ईमेल आईडी होगा क्योंकि आजकल स्मार्टफोन है तो उसका अकाउंट उसके बिना चलेगा नहीं, बट फिर भी 1% चांस हमने लेट्स सपोज ले लिया, नहीं लिया तो इसको फाइनलाइज कर दो, क्या कर दो कि ईमेल हमारी क्या है, तो हर किसी का क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। मैं स्टूडेंट की टर्म में बात कर रहा हूँ, हर सिस्टम इसको अलग सोचना है, ठीक है, राइट। जैसे फेसबुक की ऐप बनानी है तो वो लोग कॉन्टेक्ट नंबर से भी बना लेते हैं और ईमेल आईडी से भी बना लेते हैं, दोनों ही क्या है, परफेक्ट है, क्लियर होगी बात, ओके, याद है, समझ में आ गया। सो ईमेल आईडी को लेट्स सपोज मैंने कहा, मेरी टीम ने कहा नहीं सर कि ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं रखना, हमने नहीं कंपलसरी रखना कोई बात नहीं, अगर ईमेल नहीं है तो भी इसकी एडमिशन हम एंटर करना चाहते हैं, तो दैट मीन ईमेल भी हमारा कैंडिडेट क्या हो गया, कट हो गया, अगर नहीं होता तो ईमेल को प्राइमरी की फाइनलाइज कर लो, और ये बात समझ में, ठीक है जी, राइट। फिर उसमें हर बार यूनिक ईमेल आईडी एंटर होगा, ठीक है जी, तो आप जब भी कोई बच्चा आएगा बोलोगे, वो बोलेगा मेरा रिकॉर्ड दिखाओ, बोलोगे ईमेल आईडी दो, बट इस केस में हमने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट।
तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा कि हर टेबल में जाके पहले चेक करो कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है क्या उसमें से कोई कैंडिडेट है जो प्राइमरी की बन सकता है, अगर है तो उसे प्राइमरी की बना लो। क्लियर है? After doing brainstorming, कि कभी ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे इस कॉलम में डुप्लीकेट या फिर नल ना स्टोर करना पड़े, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको सोचना है। क्लियर होगी बात? क्लियर है सबको? ठीक है जी, राइट। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम, नहीं करना तो फिर हमने इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, अब हमारे पास सोल्यूशन है कि फिर हम उसे कोई अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी देंगे यूनिक। अभी बात समझ रहे? जैसे स्टूडेंट आईडी, अकाउंट नंबर, पैसेंजर नंबर, पेशेंट नंबर, एक्स वाई जेड। अभी बात समझ रहे? ठीक है जी, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम कैपेबल नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप अपनी एक आइडेंटिटी अटैच कर देते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो फिर आपने उसको एक क्या कर दिया यहां पे। सो हम यहां पे एक कॉलम हमने क्या ऐड कर दिया, लेट्स सपोज रोल नंबर, लेट्स सपोज ये रोल नंबर ऐड कर। क्लियर हो गया? सो हमने कहा कि हर बच्चे को एक यूनिक रोल नंबर क्या होगा, एसोसिएट होगा। ठीक है जी, और इसने इस रोल नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की। क्या बनाया? कैंडिडेट की। क्या बना दिया? प्राइमरी की। ठीक है जी, राइट। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या प्राइमरी की समझ में? ओके, बेटा तेरा क्या नाम है? तेरे घर पे कोई ब्रदर सिस्टर कजन कोई है? कौन, क्या नाम है? जसनूर है। ठीक है जी, लेट्स दोनों ही आप आते हो, आप दोनों के पास एक ही मोबाइल फोन है, एक ही आपके घर पे मोबाइल नंबर है, तो आपका मोबाइल नंबर भी वही स्टोर होगा। आपके कजन जब आएगा, वो भी अपना ब्रदर आएगा, वो भी वही मोबाइल नंबर देगा, तो फिर प्राइमरी की वॉलेट होगी ना, उसका रिकॉर्ड नहीं एंटर हो पाएगा। हाँ जी, आगे समझ? तो या तो जो पहले आएगा उसका रिकॉर्ड एंटर हो गया, जो दूसरी बार आएगा उसका रिकॉर्ड एंटर, अगर उसको मैं प्राइमरी की बना दूंगा तो। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो इस केस में हम इसे प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी जरूरी है, याद रखना। दैट मेक्स योर टेबल रिलेशनल। हर टेबल में क्या होनी जरूरी है? प्राइमरी की होनी जरूरी है। क्लियर है? कोई समस्या? कितनी प्राइमरी की हो सकती है, कोई बता सकता है एक टेबल में? सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है? सामने देखना,
हमने यहां पे एक टेबल बनाया है विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय शिफ्ट, ठीक है, एम्प्लॉय शिफ्ट डिटेल्स, ठीक है। यहां पे कौन सा कॉलम प्राइमरी की बन सकता है? कोई भी बन सकता, ठीक है। इसमें से कोई भी कॉलम क्या नहीं बन सकता? प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है जी, राइट। तो जब हमारा सिस्टम में कोई टेबल प्राइमरी की नहीं बन सकता, तो कई बार हम देखते हैं कि क्या कोई दो कॉलम या तीन कॉलम मिलके प्राइमरी की बन सकते हैं, ठीक है, मिलके यूनिक बना सकते हैं। ध्यान से समझना, उसके बाद मैं तुम्हें आंसर दूंगा कितने प्राइमरी की, क्योंकि इसके आंसर अलग है। तो सबसे पहले आपने कहा कि हम एम्प्लॉय कोड प्लस नेम को मिला के क्या बना दें? प्राइमरी की बना दें, ठीक है जी, राइट। तो क्या वो प्राइमरी की बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि C1 राजेश जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास दो रिकॉर्ड आ जाएंगे। C1 राजेश के कितने रिकॉर्ड हैं? दो रिकॉर्ड। आ रही बात समझ? फिर हमने देखा क्या एम्प्लॉय कोड प्लस शिफ्ट बन सकता है प्राइमरी की? yes, तो ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपका एम्प्लॉय कोड सेम है वहां पे आपका शिफ्ट क्या है? डिफरेंट है। अरे बात समझ? जहां पे आपके शिफ्ट सेम है वहां पे एम्प्लॉय कोड क्या है? डिफरेंट। सो इफ आई सर्च फॉर C1 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। अरे बात समझ? yes. ठीक है, इफ आई सर्च फॉर C1 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। क्लियर है बात समझ? yes. ठीक है, तो इस केस में हमने दो कॉलम्स को कंबाइन किया और एक प्राइमरी की बना ली। इससे हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। जब आपकी प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके बनती है तो उसे क्या बोला जाता है? कंपोजिट प्राइमरी की। अब मैं आपके आंसर पे आता हूं, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज रख सकती हैं? एक। एक टेबल पे सिर्फ एक प्राइमरी की लग सकती है, कभी भी एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं लगेगी, लेकिन वो एक प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके बन सकती है, याद रखना, ठीक है जी। मैं और दे रहा हूं एग्जांपल्स, ठीक है जी, राइट। सो यहां पे एम्प्लॉय कोड प्लस शिफ्ट मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। अरे बात समझ? तो ये एक की है, ये दो की नहीं है, ये दोनों को कंबाइंड करके हमने एक प्राइमरी की बनाई है, ठीक है जी, राइट। जब भी डेटा इन सिस्टम डेटा एंटर करेगा तो पहले चेक करेगा कि एम्प्लॉय कोड प्लस शिफ्ट कंबाइंड में यूनिक होने चाहिए। किसमें यूनिक होने चाहिए? कंबाइंड में यूनिक होने चाहिए। अरे बात समझ में? ठीक है, राइट। तो इसको की एक ही बनेगी, समझ में आ गई बात? तो ये चीज आंसर याद रखना कि कितनी प्राइमरी कीज हो सकती है टेबल पे? वन। बट आपको साथ ही इंटरव्यू को कंसेप्ट क्लियर कर देना है, बट देयर कैन बी मोर देन वन कॉलम्स ऑन विच वी कैन क्रिएट आवर प्राइमरी की। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यूजर नेम से कई बार पूछ जाते हैं, अगर वो मल्टीपल कीज हमसे मांगता है कि ये नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो प्राइमरी की के ऊपर नहीं आता। क्योंकि क्योंकि देखो ना, दो फॉर एग्जांपल यू सेड कि आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा, वो भी प्राइमरी की का हिस्सा है, तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्यों, बड़े ध्यान से। हाँ, वो तो अलग अलग कॉलम उन्होंने बनाए हैं ना, तो वो तो अलग हो, वो इंडेक्सिंग है, वो अलग कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो तो उस बंदे ने अपना दिमाग लगा लिया ना वहां पे, जो भी एम्प्लॉय बैठा है, वो तो डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या फीचर्स यूज करके मैं आपको रिट्रीव करके दे दूंगा डेटा, ठीक है। अब यहां पे देखो, सो आई एम गोइंग टू डिटेल प्रोजेक्ट डिटेल टेबल मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे आई एम टेकिंग एम्प्लॉय कोड डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट कोड, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, एंड आर्स, लेट्स सपोज आर्स ही ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज एम्प्लॉय कोड C1 है, सेम रहने देते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में अगर आप लोग यहाँ पे आ जाओ, सो फॉर एग्जांपल आई विल से प्रोजेक्ट कोड है, सो एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट कोड पे काम कर रहा है, P001 कोई प्रोजेक्ट होगा, लेट्स सपोज, ठीक है जी। हो सकता है ना एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे क्या कर रहा हो? काम कर रहा, ठीक है, राइट। सो लेट्स सपोज
दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन P001, इज वर्किंग ऑन P003, हमें नहीं पता किस पे भी काम कर रहा हूँ, P001, P002. ठीक है, इस पार्ट का विषय सो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो एक कॉलम क्या नहीं बन सकता, प्राइमरी की, बट अगर आप कंबाइंड में देखोगे कि एम्प्लॉय कोड प्लस प्रोजेक्ट कोड, तो वो हमारा क्या बनाएगा, प्राइमरी की बनाएगा. आ रही है बात, क्लियर हो गया यहां तक? कोई समस्या, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो. ठीक है, सो अब लेट्स सपोज इफ आई एम एंटरिंग C1 P001, तो मुझे पता है मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है यूनिक जो मुझे मिलना है. ठीक है, राइट, ओके. सो यहाँ पे डिपार्टमेंट आप अलग अलग कर सकते थे, गलत हो गया, नाम उसको चेंज कर देते हैं. C1 इज वर्किंग फॉर IT, वर्किंग फॉर सेल्स, मार्केटिंग, क्लियर, क्लियर है? आप सोचते हो सब पहले बता दो, क्लियर है? आपकी शक्ल आपके आंसर का साथ ही दे रही, एक्सप्रेशन है जो आपके पास. ठीक है, ओके, चलो. सो प्राइमरी की कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, लास्ट कंसेप्ट, फिर हम अपने सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे चलते हैं डेटाबेस के. लास्ट कंसेप्ट इज नाउ दिस. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर स्टूडेंट टेबल. ठीक है, ओके, एंड आई क्रिएटेड वन मोर टेबल, एंड आई हैव क्रिएटेड अ टेबल विद द नेम ऑफ एग्जाम, और लेट्स सपोज आई क्रिएटेड अ टेबल विद द नेम ऑफ अटेंडेंस. ठीक है, सो आई एम सेइंग हियर रोल नंबर, डेट एंड स्टेटस, या टाइटल जो भी आप बनाना चाहते हैं. ठीक है, सो ओके, सो यहां पे जाके हमने लिखा लेट्स रोल नंबर 1, लेट्स सपोज डेट है 21st of Jan 2023, स्टेटस यस प्रेजेंट. ठीक है, रोल नंबर 2, लेट्स सपोज क्या है, रोल नंबर 3, लेट्स सपोज प्रेजेंट. क्लियर, अब हमने यहां पे जाके लिखा अगला दिन आया. ठीक है जी, राइट, सो हमने यहाँ पे जाके लिखा रोल नंबर 1. ठीक है, राइट, अब हमने यहाँ पे एंटर किया 2023, हमने कहा यस ये आया था. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, कुछ हम एंटर कर, ठीक है. सो इस केस में हमारे पास जो प्राइमरी की है वो क्या हो सकती है, डेट प्लस रोल नंबर तो नहीं हो सकता. ठीक है जी, राइट, राइट, सो आप डेट प्लस क्या कर सकते हो, रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हो कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर इस डेट को प्रेजेंट था. क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट, ओके. बट अब यहां पे एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, वो क्या है, ये एक टेबल है, इसमें हम फॉर एग्जांपल डेटा एंटर कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस. ठीक है, I'm saying present. So, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूं रोल नंबर 2 कौन है, क्या कर रहा है,
सो मैं स्टूडेंट टेबल में जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा रोल नंबर 2 कौन है, विनय है, पाइथन का कोर्स है, ये पता लग गया मुझे इसके बारे में, ठीक है, मुझे पता ही कौन है, ठीक है, राइट. इफ आई कम हियर एंड इफ आई ट्राई टू गो देयर इन स्टूडेंट टेबल, आई हैव नो रिकॉर्ड ऑफ दिस पर्सन, दैट मीन्स दिस इज अ फेक एंट्री, चाहे गलती से बनी है, चाहे जानबूझ के, जैसे आप करप्शन कहते हो पी है कि ऐसे फेक एंट्री सी गई है, ठीक है जी, एग्जाम टेबल है तो रोल नंबर अपनी तरफ से एंटर करके 100 मार्क्स लगा दिए, ठीक है जी, कंप्यूटर ने सर्टिफिकेट प्रिंट करना उससे क्या पता चलना पता है कि नहीं, ठीक है, राइट. सो इसे आप बोलते हो स्कैम, करप्शन, गलतियाँ, सिस्टम के लूप होल्स हो जाते हैं ना हमारे पास, जो कंपनी में काम करते हैं उनको पता होता है क्या लूप होल है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो कहते नहीं जी हम आपका काम करा देंगे, हो जाएगा, ठीक है जी, राइट. तो जब वो कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई भी पढ़ा लिखा बंदा कहता है कि जी हमने कंप्यूटराइज कर देना इससे करप्शन रुक जाएगी, ठीक है जी, राइट. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, अटेंडेंस टेबल है, ठीक है जी, इस रोल नंबर का अब दोबारा नेम एज कोर्स को इस कॉलम में डाल नहीं सकता क्योंकि इससे डुप्लीकेसी हो जाएगी, ठीक है जी. वही आज हमारा टॉपिक आगे जाके, तो अभी मैं उसको टच नहीं करूँगा, मेन टॉपिक उसी के लिए आज बुलाया मैंने आपको, ठीक है. बट तो इस केस में हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है जिनका हमारे पास कोई ट्रैक नहीं, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे जब भी कोई डेटा एंटर हो तो पहले वो चेक हो जाए कि वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है या नहीं. ये बात समझ, ठीक है, राइट. तो उस केस में हम उस कॉलम के ऊपर हम लगा देते हैं फॉरेन की, क्या लगा देंगे, फॉरेन की लगा देंगे, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल, ठीक है जी. अब नाउ योर रोल नंबर प्लस डेट इज अ प्राइमरी की, बट रोल नंबर इज अ फॉरेन की. फॉरेन की जब हम टेबल में लगाते हैं तो हम उसे उसके पेरेंट टेबल के साथ अटैच करते हैं, कि जैसे स्टूडेंट टेबल है तो हम बताएंगे कि स्टूडेंट टेबल के साथ इसे अटैच करना है रोल नंबर कॉलम के साथ. तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप रोल नंबर में डेटा एंटर करोगे पहले वो जाके चेक होगा स्टूडेंट टेबल में वो डेटा है या नहीं. अगर वो रोल नंबर होगा तभी वो एंटर हो पाएगा, तभी वो क्या हो पाएगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड एंटर नहीं पाएगा. अरे बात क्लियर. फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड का डेटाबेस, तो आपका आधार कार्ड बन गया, गवर्नमेंट के पास है डिटेल. अब आप कोई भी सर्विस लेने जा रहे हो, बोलते हैं अपना आधार कार्ड दो, और आपका आधार कार्ड अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, आधार कार्ड से आपका ट्रैकिंग हो जाता है ये बंदे का क्या सिस्टम है, ठीक है जी, राइट. अब अगर किसी ने अपना नकली आधार कार्ड बना लिया, जब वो अब एंटर करेगा वो आधार कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर, तो पता लग जाएगा कि यार ये बंदा हमारे सिस्टम में है ही नहीं, कोई फेक बंदा फेक आधार कार्ड लेता है. अरे बात समझ, क्लियर होगी बात, ठीक है जी. पैन कार्ड है, कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है तो क्या चाहिए, पैन कार्ड. आपने कहाँ से, गवर्नमेंट से बनाया, मेन डेटा बेस में है उनके, तो जब भी कहीं पे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे पैन कार्ड मांगेंगे इस अमाउंट से ऊपर. तो अगर आप पैन कार्ड आपका है ही नहीं, नंबर ही नहीं है वो, तो आपकी वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, काम होना गलत बंद हो जाएगा सिस्टम. अरे बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है जी. सो फॉरेन की क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा पेरेंट टेबल है, सबसे पहले मेन टेबल है, ठीक है, जहाँ पे सारी सेंट्रल लोकेशन है आपकी, तो जो आपके चाइल्ड टेबल अब बनना है, अटेंडेंस बनना है, एग्जाम बनना है, सर्टिफिकेट किसको इशू होगा, जो स्टूडेंट है, जो रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको सर्टिफिकेट कैसे इशू कर देंगे. तो अगर हम फॉरेन की नहीं लगाएंगे सो देयर विल बी ऑलवेज अ लूप होल इन द सिस्टम. अगली बात समझ में, वो डेटा एंटर हो पाएगा जो नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग अ पॉइंट ऑर नॉट, ठीक है जी, राइट. सो आपने हमेशा अपने चाइल्ड टेबल जो है, जो पेरेंट के बाद बन गया, जिन्होंने सर्विस अवेल करनी है, उनके उस कॉलम के ऊपर क्या लगानी है, फॉरेन की, ताकि उनमें वही रिकॉर्ड एंटर हो सके जो पेरेंट टेबल में है. यहां तक समझ में आ गया, प्राइमरी की कॉलम की हो सकती है. हां जी, प्राइमरी की होगी तभी कॉलम की हो सकती है. हां, फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की कॉलम के साथ अटैच, इसके साथ अटैच होगी. जैसे रोल नंबर यहां पे फॉरेन की बनेगा, लेकिन ये स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर जहां पे वो प्राइमरी की है उसके साथ क्या होगा, जाके अटैच होगा. और ये बात समझ, क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्लियर है, ठीक है जी, राइट. अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी. इस टॉपिक का नाम है नॉर्मलाइजेशन. दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक टू क्रैक बाय स्टूडेंट्स. नॉर्मल नट्टा के वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, तो आप पेपर में बड़ी बड़ी डेंगे लिखाते हो जिन लोगों ने भी पढ़ा डेटाबेस का टॉपिक, ठीक है जी. अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल कंसेप्ट के साथ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन. बट नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे सिस्टम के लिए दो चीजें बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है दो चीजें. वो दो चीजें कौन सी हैं,
पहली डेटा रिडंडेंसी, पहली किसी भी सिस्टम के लिए, अब जब मैं सिस्टम बोल रहा हूं ना तो मतलब डेटाबेस टेबल्स। सो दो चीजें बहुत खतरनाक है, रिडंडेंसी, पहली रिडंडेंसी स्टैंड फॉर डुप्लीकेसी, एक सिस्टम में जितना डेटा डुप्लीकेट होगा उतनी आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी उसे मैनेज करने में। सो लेट्स सपोज आपका एक नाम है सिमरन और ये मेरा नाम 10 टेबल में चल रहा है, अब कल को जाके लेट्स सपोज मेरा नाम मैंने चेंज करवाना है तो हो सकता है कि सारी जगह पे चेंज ना हो, आधी जगह पे चेंज हो गया आधी जगह पे चेंज, ये प्रॉब्लम है डुप्लीकेसी की, ठीक है राइट। सो डुप्लीकेसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपका डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज आ जाते हैं अगर आपके डेटा में क्या है बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है। सो डुप्लीकेसी हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये डेटा अपडेट करते वक्त डिलीट करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जहां पे जब आपका सिस्टम में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी आ गई, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैनुअल सिस्टम में काम कर रहे हैं आप, NIT आए काउंसलर्स के पास, ठीक है जी राइट, उन्होंने आपसे एक फॉर्म फिल करवाया उसमें आपने अपना नाम मोबाइल नंबर दे दिया, उसकी एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट ने रख दी, उसमें भी आपका नाम और क्या आ गया मोबाइल नंबर, फिर आप मेरे पास पढ़ने आ गए, आप मैंने भी आपसे पहले पूछ लिया भाई आपका नाम क्या अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, आपने मुझे दे दिया, ठीक है। अब आपका मोबाइल नंबर कितनी जगह पे घूम रहा है, अब आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, आप किसे अपना नंबर बताओगे मुझे, आप काउंसलिंग डिपार्टमेंट में जाओगे गवर्नमेंट, आपको तो पता भी इनके पास अब क्या है, आपका तो लिंक ही खत्म हो गया ना उनके साथ, अब आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपने अपना मोबाइल नंबर मुझे चेंज कर लिया, मैंने अपनी कॉपी में चेंज कर लिया उसे, बट अभी भी दो कॉपीज में क्या चल रहा है पुराने नंबर, अब वो आपको बंदा कॉल कर रहा है किसी वजह से आपके साथ रीच में नहीं आ पा रहा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक सिस्टम में जितनी डुप्लीकेसी होगी जितना डेटा रिडंडेंट होगा उतना ही आपका सिस्टम क्या होगा स्लो होगा, उसे अपडेट करने में भी टाइम लगेगा, उतना ही आपका हार्ड डिस्क का डिस्क स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, राउंड बढ़ेगा, उसको इनपुट आउटपुट ज्यादा करना पड़ेगा आपकी हार्ड डिस्क को, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है नल, क्या क्रिएट करती है नल, आपके एक कॉलम में जितने ज्यादा नल होंगे उतना आपका सिस्टम स्लो होगा, याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बड़े सिंपल एग्जांपल देता हूँ, नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूं, अभी टेक्निकल नहीं, टेक्निकल आगे जाके अभी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है। सो ये दो रोड्स हैं जहां से हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन रोड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान की रोड है जहां पे गड्ढे हैं, ठीक है राइट। सो अब होगा क्या, जब हम नॉर्मल रोड से जा रहे हैं तो स्पीड में जाएंगे, ठीक है जी, अब मैं यहां से जा रहा था तो यहाँ पे गड्ढा आया, मुझे स्पीड क्या करनी पड़ी, कुछ अलग से अजीब चीज आ गई, खाली जगह आ गई, मुझे रोकना पड़ा, गिरना चाहिए, मैंने अपनी डायरेक्शन मोड़ी, आगे गया फिर से खाली जगह आ गई, फिर रोकना पड़ा, फिर आगे गया फिर खाली जगह आ गई, रोकना पड़ा, तो क्या स्लो हुआ, स्पीड, टाइम, अपने आप स्पीड टाइम रेलेवेंट है पॉइंट। सो अगर हमारे टेबल में भी कॉलम्स में नल होंगे ज्यादा तो होगा क्या, जब सिस्टम क्यूरी करके उन्हें डेटा व्यू कर रहा होगा तो जहां पे नल आएगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, देखने के लिए क्या है, अरे बात समझ में। सो हमें दो चीजें अवॉइड करनी है टेबल्स बनाते वक्त, पहला कि हमें कभी भी डुप्लीकेट डेटा ना स्टोर करना पड़े, अरे बात समझ में, और दूसरा हमें ऐसे कॉलम अवॉइड करने जहां पे हमें पहले से पता है कि मैक्सिमम टाइम क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा, अरे बात समझ, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझ, अब इसी कंसेप्ट को करने के लिए कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, तो जब हम एक टेबल बना के सब कुछ स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी डुप्लीकेसी आएगी, जब आप एक ही टेबल में क्या स्टोर करोगे सब कुछ तो उसमें क्या आएगी, डुप्लीकेसी आएगी, ठीक है जी राइट राइट, एंड नल के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कभी एक टेबल नहीं बनाना चाहिए, टेबल स्प्लिट करने चाहिए, तो इसी जो स्प्लिट करने को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, क्या बोलते हैं, सो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल टेबल इनटू कॉम्प्लेक्स टेबल इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर्स। वो स्टूडेंट को समझने में कॉम्प्लेक्स लगेगा जब मैं सिंपलर वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन जब उसे आप कर देंगे तो आपका सिस्टम सिंपल हो जाता है, अभी बात समझ में। तो हमने ये नहीं देखना कि हमारे लिए क्या करना मुश्किल है, हमें देखना कि सिस्टम के लिए आगे जाके क्या सिंपल होगा। सो नॉर्मलाइजेशन सेज व्हाट,
It is a process where we divide our tables into multiple tables by using certain rules. So, कुछ scientists ने rules बनाए हैं. First normal form, second normal form, third normal form, ऐसे आगे जाकर के बहुत normal forms. ठीक है जी राइट. आप कितनी normal forms बना पाते हो, कितनी समझ पाके अपने system में लगा पाओगे, उतना ही जाके आपका software आगे scalable बनेगा. आ रही है बात समझ में? Clear होगी बात? ठीक है. तो चलो बात करते हैं अब नॉर्मलाइजेशन की कि कितनी को फॉर्म्स है हमारे पास. सो बड़े ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लो चलूंगा क्योंकि ये कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स है थोड़े. ठीक है. फॉर एग्जांपल पहले डेटा रिडंडेंसी को समझो. सामने टेबल देखो, मैंने एक टेबल लिया, उसी टेबल में मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा और उसी में उसके क्या स्टोर करूंगा, मार्क्स. ठीक है. अब टेबल देखो, आई हैव अ कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, आगे एज, कोर्स, फीस, जहां पे डॉट डॉट लगा दिया. ठीक है जी राइट. फिर उसका मैं सेमेस्टर स्टोर कर रहा हूँ, फिर उसके लेट्स सपोज दो सब्जेक्ट हैं हर सेमेस्टर में, तो टेस्ट वन एंड टेस्ट टू स्टोर कर रहा हूँ. अभी बात समझ में? अब पहले ध्यान से देखो, जो रोल नंबर स्टूडेंट आईडी वन है उसका हमने डेटा स्टोर किया मैरी, उसका नेम एड्रेस स्टोर किया 5B गोपाल नगर लेट्स सपोज, उसका एबीसी कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर किया हमने, स्टोर किया सेमेस्टर वन है, टेस्ट है 40, सेकंड टेस्ट में क्या आ गया 60 जो भी मार्क्स है. अब वो बच्चा चला गया सेकंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में अब मुझे उसके फिर टेस्ट किए दो, मुझे उसके मार्क्स स्टोर करने हैं. बट फॉर उसके हर मार्क्स स्टोर करने के लिए मुझे उसका नाम भी दोबारा स्टोर करना पड़ना, उसका एज भी दोबारा, उसका कोर्स भी दोबारा, उसका आई गेटिंग अ पॉइंट, एड्रेस भी दोबारा. सो दैट इज डेटा रिडंडेंसी. आई गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या कह रहा हूं मैं? तो ये डेटा रिडंडेंसी है कि मतलब कि एक सिर्फ टेस्ट के मार्क्स स्टोर करने के लिए मुझे उसकी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दोबारा दोबारा क्या करनी पड़ रही है, स्टोर करनी पड़ी. एक बार मेरे पास अगर नाम आ गया, एड्रेस आ गया, एज आ गया, तो मैं क्यों बार बार उसको दोबारा स्टोर करूंगा सेम टेबल में? ठीक है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद सिंगल टेबल्स. सिंगल टेबल में डेटा स्टोर नहीं करना. ठीक है जी. क्लियर. सो व्हाट इज अ नॉर्मलाइजेशन? सामने देखो, इट इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर इनटू बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स. ठीक है जी. इट हैज अ फॉलोइंग बेनिफिट, फटाफट करते हैं. डेटा इंटीग्रिटी करेक्टनेस के लिए डेटा के टेबल स्ट्रक्चर सिंपल हो जाएंगे और क्या रिड्यूस होंगी, नल वैल्यूज क्या रिड्यूस होंगी. और अभी आप ये प्रैक्टिकली देखोगे, ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, तो सिर्फ समझो. जो लोग लिख रहे हैं वो सिर्फ समझें, ये आप पीपीटी मेरे से मांग लेना. ठीक है. सो सबसे पहला रूल, अभी हम फर्स्ट रूल पे नहीं गए हैं, फर्स्ट रूल से पहले भी जीरो मान के चलो, ग्राउंड रूल. सो ग्राउंड रूल क्या है? ईच टेबल शुड हैव एन रिड्यूसर. ये हम सबको पता है, हर टेबल का एक नाम होना चाहिए. चलो इससे निकलते हैं. ईच टेबल शुड स्टोर डेटा फॉर, हर टेबल में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, एक तरह का काम. ठीक है. अब मैं आपकी गलती बताता हूँ. आपने अकाउंट टेबल का सॉफ्टवेयर बनाया, आपने क्या किया, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और उसी के अंदर बैलेंस स्टोर कर दिया उसका. भाई जो उसका पैसा है वो तो बार बार ट्रांजेक्शन होनी है ना. ठीक है जी. तो उसको आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी अलग स्टोर करनी है, उसके पैसे की इन्फॉर्मेशन अलग स्टोर करनी. ठीक है. अब स्टूडेंट सिस्टम है जहां पे हम बैठे हैं, तो स्टूडेंट टेबल अलग होगा, एग्जाम टेबल अलग होगा, अटेंडेंस टेबल अलग होगा. आप ये नहीं कर सकते एक ही टेबल में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करो, उसी में उसके अटेंडेंस स्टोर करो, उसी में उसके एग्जाम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करो. नहीं, हर चीज क्या होगी उसके लिए, यानी एक टेबल सिर्फ एक काम करेगा. अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है तो वो सिर्फ क्या करेगा, कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा. अरे ये बात समझ में? So, इस तरह से आपका ग्राउंड रूल पहले ये समझना है. कॉलम्स दैट एक्सेप्ट नल वैल्यू शुड बी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टेबल जब बनाते हैं, सॉरी फॉर्म जब बनाते हैं, तो आप देखते हैं कई बार आपसे दो फोन नंबर मांगे जाते हैं, मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर. अब अज्यूम करो कि अगर पीछे उसने दो कॉलम बना दिए टेबल में, दो कॉलम बनाया, एक बनाया कॉलम मोबाइल नंबर वन और एक कॉलम बनाया मोबाइल नंबर टू, तो इससे उसके सामने दो प्रॉब्लम्स आ गई. पहली, जो मोबाइल नंबर टू है वो मैक्सिमम टाइम नल रहने वाला है. मोबाइल नंबर टू मैक्सिमम टाइम क्या रहने वाला है? आई गेट योर पॉइंट. तीसरी प्रॉब्लम क्या हो, उसके पास तीन फोन नंबर हो. आपको अगर आपको आईटी में आना, आपको अपना ब्रेन बहुत वाइड ओपन करना पड़ेगा. अरे बात समझ, ठीक है राइट. सो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना आज हम सीखेंगे. द रेपुटेशन ऑफ वैल्यूज और कॉलम शुड बी वही, कॉन्टेक्ट नंबर वन, कॉन्टेक्ट नंबर टू, एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू, इस तरह से हमारे पास सिस्टम आ जाते हैं. तो इन चीजों को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है जी राइट. सो नॉर्मलाइजेशन के अंदर, नॉर्मलाइजेशन करने से पहले ये चीज देखो कि तुम्हारे टेबल पे एटलीस्ट ये होना चाहिए,
ठीक है, हर टेबल का नाम, नल कॉलम्स क्या करो अवॉइड करने हैं, एक टेबल में एक तरह का डेटा क्या करना है स्टोर करना, ठीक है, ये पहले चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब सारे आगे आंखें खोल लो। सो हमारे पास ये चार नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, हम पहली तीन कवर करने की कोशिश करेंगे, कि तीन आज समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पहली तो आ जाएगी, दूसरी जैसे में कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, ऐसी नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो साइंटिस्ट ने बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। सबसे सिंपल, अ टेबल इज सेट टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हेन ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन्स, हर सेल में सिर्फ कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू। बहुत सिंपल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सबसे सिंपल यही है, हर सेल एक वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है जी, और रूल्स क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के? पहला, जो भी आपके टेबल की वैल्यूज आप टेबल में डालो, लेकिन हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू डालो। ठीक है जी, राइट, देयर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप, एक कॉलम बार बार रिपीट, वो भी आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एवरी टेबल मस्ट हैव अ यूनिक प्राइमरी की। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, प्राइमरी की लगाओ, अवॉइड करो डुप्लीकेट कॉलम, मतलब एक ही कॉलम बार बार क्या हो, रिपीट हो, और एक टेबल के एक रिकॉर्ड के एक सेल में एक वैल्यू। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल देखो। ठीक है जी, राइट, सो आपने कहा था हमने प्राइमरी की लगानी है, तो आपने क्या किया, आपने कॉलम बनाया एम्प्लॉय कोड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट कोड एट आर्स। सो आपने कहा क्योंकि मुझे एम्प्लॉय कोड को प्राइमरी की बनाना है, तो आपने क्या सोचा कि आपने एक एम्प्लॉय तीन प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो आपने एक ही सेल में एक E101 ले लिया, क्योंकि आपको पता था मैंने इस पे क्या लगानी है, तो आपको, लेकिन आपके पास है तीन प्रोजेक्ट, तो आप चाहते हैं तीन रोज में लाए डेटा, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट कोड के एक ही सेल में तीन वैल्यूज डाल दी, दिस इज रॉन्ग। तो प्राइमरी की बनाने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेल में आप क्या डाल दो, मल्टीपल वैल्यू, मुझे दोबारा E101 P51 ना लिखना पड़े, E101 versus P40 ना लिखना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर है? एक सेल में कितनी वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज बेसिकली व्हाट अ प्राइमरी इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। तो आपका टेबल सबसे पहले किस नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है जी, राइट, सो ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, अब इसे चाहे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है जी, राइट, तो देखो इसमें ना तो प्रोजेक्ट कोड और आज दोनों ही टेबल में हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हो रहे हैं, तो अब हम लोग इनको इस तरह से बनाएंगे। अरे बात समझ में, सो अगर तीन वैल्यू सी तो E101 रिपीट कर लो, हम कंपोजिट की बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है? अरे बात समझ में, ठीक है, लेकिन वो रूल ब्रेक नहीं करना कि एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए, हमेशा एक सेल में कितनी वैल्यू रहेगी, एक ही वैल्यू रहेगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट ये देखो, अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सो वी हैव रोल नंबर, वी हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर 1 एंड फोन नंबर 2। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फोन नंबर 2 अगर हम ये टेबल बना रहे, हमने बनाया क्योंकि हमें लगता था बच्चों के दो नंबर होते हैं, या हमारे पास कम से कम दो नंबर होने चाहिए, एक नहीं चला तो दूसरा हम ले लें कस्टमर का, तो उस केस में हमने दो कॉलम बना दिए। बट ये जब आपने बनाया, आपने सही किया अपनी तरफ से, लेकिन ये अब आपको फ्यूचर में जाके आपका सॉफ्टवेयर जब स्केल होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये बनाते वक्त हम नहीं सोचेंगे, हमारे लिए हम ठीक कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, करो, अलाउ कर रहा है सिस्टम, दो कॉलम बनाने तो बनाओ, ठीक है, बट जब हम स्केल करेंगे तो अब हमारा सिस्टम हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है, तो इस केस में हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर क्या करना है, ब्रेक करना है। अब हम एक टेबल नहीं लेंगे इस केस में, ध्यान से देखें, तो ये हमारी प्राइमरी की है, द स्टूडेंट टेबल कंटेन नल वैल्यूज इन फोन नंबर 2। पहली प्रॉब्लम कि सेकंड कॉलम में मैक्सिमम क्या स्टोर होंगी, नल वैल्यूज। दूसरी प्रॉब्लम कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि सिर्फ दो ही नंबर आप क्या कर सकते हैं, तीन नंबर। तो कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दो टेबल में से डिवाइड करो, जो जो कॉलम प्रॉब्लम कर रहा है उसे अलग टेबल में, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है जी, और फोन नंबर हम कहां पे लेंगे, अलग टेबल, एक कॉलम बनाते हैं फोन नंबर का। अरे बात समझ में,
अब बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अब दो टेबल को कनेक्ट भी तो करना है, पता कैसे चलेगा किसका फोन नंबर है। तो सिर्फ प्राइमरी की वाला जो कॉलर है वो दूसरे टेबल में आना है ताकि लिंक बन जाए, और इसके ऊपर फॉरेन की लग जाएगी इसके साथ। अरे बात समझ में। अब किसी का अगर एक नंबर है तो आप एक बार लिखिए, किसी के अगर दो नंबर है तो आप, क्योंकि फॉरेन की है तो डुप्लीकेट तो अलाउ करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बात समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग वन टेबल, अब आप अपने टेबल को दो में बनाओगे, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है? तो ये क्रिटिकल चीजों को सोचना बहुत जरूरी है जब हम रियल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर या जब हम कुछ डेवलपमेंट की जाना चाहते हैं कि हम कुछ बनाने हैं लाइबल, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप अपने ये कुछ क्रिएट कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सबको रूल? ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो अब डाइजेस्ट करो एंड हम दो मिनट में स्टार्ट करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसके लिए आपका ब्रेन बहुत ही एक्टिव होना चाहिए कि हम कुछ नई टर्म्स लेके आएंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज दिस वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है? एक सिस्टम में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं जब जब एक कॉलम की वैल्यू, एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंड करता है, एक कॉलम अपने काम के लिए किसी दूसरे कॉलम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दैट मींस फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, एट्रीब्यूट ए यानी कॉलम ए इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कॉलम B, if and only if for each value of B there is exactly one value of A. तो that means दूसरा कॉलम उसके ऊपर क्या है? Dependent है। ठीक है, सामने देखो। So हमारे पास यहाँ पे कॉलम है रोल नंबर, कोर्स कोड, कोर्स नेम, टीचर नेम, रूम नंबर, मार्क्स एंड ग्रेड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं अलग इसको अभी हम अलग एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें अगर जो प्राइमरी की देखेंगे हम कौन सी देख सकते हैं? प्राइमरी रोल नंबर प्राइमरी की है। इसमें प्राइमरी की रोल नंबर। ओके, सो व्हाट इफ आई से कि रोल नंबर R001 हैज ज्वाइंड वन मोर कोर्स। आपकी यूनिवर्सिटी में आप जब जो भी आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है जी, राइट, एक सेमेस्टर में एक ही कोर्स होता है, अलग अलग कोर्स होते हैं ना, एक सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट है, तो कितने कोर्स है? चार। क्या तुम्हारे हर सब्जेक्ट का रोल नंबर अलग है तुम्हारा? नहीं अलग। अज्यूमिंग दैट ठीक है जी, राइट, रोल नंबर कैन नॉट बी आर प्राइमरी की, क्योंकि जो दूसरा कोड, अगर R001 का दूसरा कोड यहाँ पे लिखेंगे हम, तो फिर वो एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में बताओ कौन सी प्राइमरी की है? रोल नंबर प्लस कोर्स। क्या बनेगी? रोल नंबर प्लस कोर्स कोड। ठीक है, राइट। सो इस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान से यहां पे देखें, तो यहां पे अगर डिपेंडेंसी देखें, पहले तो चलो इसको छोड़ दो, मैं कुछ डिपेंडेंसीज आपको यहां पे समझाऊं। C100 जहां जहां आ रहा है ये कोर्स, उसके आगे टीचर का नाम क्या आ रहा है? कोर्स नेम क्या आ रहा है? जावा। कोर्स नेम क्या आ रहा है? जावा। C1001 C#, यानी कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? So this is known as functional dependency. ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रूम नंबर की, तो रूम नंबर भी किसके ऊपर डिपेंड आ गया? एक तरह से कोर्स कोड के ऊपर डिपेंड हो गया। अरे बात समझ, ठीक है।
अगर हम बात करें मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड है, मार्क्स रोल नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज आर 001 के अगर 88 है तो हो सकता है आर 002 के भी 88 हो, एग्जैक्टली एक वैल्यू तो नहीं ना भाई, ठीक है। सो मार्क्स जो है रोल नंबर प्लस कोर्स कोड के ऊपर डिपेंड है, आई गेट योर पॉइंट। सो आर 001 के अगर C100 के 88 मार्क्स है तो दोबारा तो 88 नहीं हो सकते किसी भी हाल में ना, दोबारा आर 001 C110 88 नहीं लिख सकते ना, 88 ही रहेगा हमेशा एग्जैक्ट, ठीक है। राइट, तो मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रोल नंबर प्लस कोर्स कोड के ऊपर, आ रही बात समझ में, ठीक है। सो अगर आप कहते हो कि R02 के C101 में 88 है तो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंबाइन होकर तो रोल नंबर चेंज हो गया ना आपका, ठीक है जी। राइट, सो मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइम, ठीक। ग्रेड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कैसे, जरूरी नहीं है आप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहें 88 के ए ग्रेड है, हो सकता है 87 के भी ए ग्रेड हो, तो आप कहेंगे ये सर फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे होगी, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी सिंगल वैल्यू की हो, फंक्शनल डिपेंडेंसी रेंज की भी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल 80 से लेके 100 के बीच में ए ग्रेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, तो एग्जैक्टली ये की वैल्यू आएगी 80 से 100 के बीच में, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये इस तरह से इन दोनों के ऊपर क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी पता लगी क्या है, जब चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड है, जैसे कोर्स नेम कोर्स कोड के ऊपर डिपेंड है, टीचर नेम कोर्स कोड के ऊपर डिपेंड है, अज्यूमिंग के एक कोर्स एक टीचर पढ़ा रहा है, तब रूम नंबर टीचर नेम के अज्यूमिंग एक टीचर पढ़ा रहा है, और ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड है, मार्क्स के ऊपर, ठीक है जी। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई जगहों पे फंक्शनल डिपेंडेंसी खतरनाक हो सकती है, हमारे सिस्टम को अनस्टेबल कर सकती है, कैसे, सामने देखो। सो इसे समझने के लिए हम लोग पहले इस कंसेप्ट पे आए, तो सामने देखा, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात, सॉरी एक और टर्म मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या है पार्शियल डिपेंडेंसी, होती है जब आपका कॉलम पार्शियली डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, आपके पास कंपोजिट की है एंड वो उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है, पार्शियल मतलब सामने देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे आए इस टेबल को समझे दोबारा से, सो कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी प्राइमरी की क्या थी, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है ना, आधे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, सो ये आपके सिस्टम को अनस्टेबल करेगी, पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे करेगी मैं दिखाता हूं, या कभी नहीं सोचोगे अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा कि सिस्टम को कैसे खराब करेगी आगे आगे, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूं कैसे खराब करेगी, आगे आ जाओ। और पढ़ो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूं कहां खतरा है, देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, अ टेबल इज सेट टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट इज ऑलरेडी इन पहला नॉर्मल फॉर्म, तो बना के रखो, अब उसके ऊपर आपको क्या मेक श्योर करना है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए, देयर शुड बी आपके सिस्टम में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, किसके बीच में, ध्यान से देखो, नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड की क्या होगी, प्राइमरी की, और जिनके ऊपर प्राइमरी की नहीं लगी वो क्या है, नॉन की, उनमें से किसी के ऊपर भी क्या नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी अगर है तो वो खतरनाक है, उसे अलग टेबल में ले जाओ, ठीक है जी। वो कैसे खतरनाक है, सामने देखो, टेबल देखो, ई कोड, सो ये टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय कोड, प्रोजेक्ट कोड, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड एंड आर्स, ठीक है। इस टेबल को ध्यान से स्टडी करो और बताओ इसमें प्राइमरी की क्या है, ई कोड प्लस प्रोजेक्ट की। इस केस में हमारे पास प्राइमरी की है एम्प्लॉय कोड पे, जैसे फॉर एग्जांपल E101 जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो ये सिचुएशन है, यही एम्प्लॉय कोड जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, क्लियर है यहां पर, तो ये मेरी क्या है,
प्राइमरी की बना सकती है। देखो जहां पे आपका प्रोजेक्ट सेम है वहां पे एम्प्लॉय कोड क्या है, डिफरेंट है। जहां पे प्रोजेक्ट कोड सेम है वहां पे एम्प्लॉय कोड डिफरेंट है, और जहां पे एम्प्लॉय कोड सेम है वहां पे प्रोजेक्ट कोड डिफरेंट है। अरे बात समझो, तभी यूनिक बनेगा ना, ठीक है। तो ये हमारी कंपोजिट की है प्राइमरी की। अब हमने क्या था, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसके बीच में, नॉन की एंड की एट्रीब्यूट्स। अब देखते हैं क्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले उठाओ क्या, डिपार्टमेंट है। सो डिपार्टमेंट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या डिपेंडेंसी है, डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई कोड के ऊपर। सो फॉर E1001 वी हैव सिस्टम्स, अरे बात समझ, ठीक है जी। E305 फाइनेंसिंग की डिपार्टमेंट है, E50 किसमें है, एडमिन में, अरे बात समझ में। सो ये फंक्शनली किसके ऊपर डिपेंड है, पार्शियल है, पार्शियल है ना, ठीक है। अब आ जाओ डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड भी वापस इसके ऊपर आ गया, ये पार्शियल डिपेंड हो गए, ठीक है जी, राइट। क्योंकि अगर आप E27 देखोगे तो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, बट अगर आप ई कोड देखोगे तो सिंगल वैल्यू आ रही है सेम, तो दैट मीन ये किसके ऊपर डिपेंड है, पार्शियली डिपेंड है। अरे बात समझ में, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, आर्स किसके ऊपर डिपेंड है, दोनों के ऊपर डिपेंड है कि जब ये दोनों ये एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है। अरे बात समझ में। सो दैट मीन एक ही कॉलम है जो दोनों के ऊपर क्या है, मोर डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, बाकी दोनों क्या है, पार्शियल डिपेंडेंट। अगर हम ये टेबल बना देंगे जो आप बनाएंगे तो आगे जाके आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, तो तीनों टाइम पे प्रॉब्लम आएगी, इंसर्ट करते वक्त भी, अपडेट करते वक्त भी, डिलीट करते वक्त भी। ध्यान से देखो, सामने देखो। सो मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, ठीक है, राइट। लेट सपोज मैंने इसको हायर किया, इसका एम्प्लॉय कोड है E509, एम्प्लॉय कोड है E509, इसकी अभी से हायरिंग हुई है, इसको अभी कोई प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट हमने नहीं लिया। अगर इसको अभी कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट कोड इसका क्या होगा, नल। सो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपने एम्प्लॉय, मैंने सोचा एम्प्लॉय और उसके प्रोजेक्ट का डेटा एक जगह डाल दो टेबल में, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया E509, इधर क्या आ गया, नल। ये दोनों मिलके क्या बना रही थी, तो क्या नल इंसर्ट हो पाएगा, तो क्या आ जाएगा, मतलब हमारे सिस्टम में जितने भी नए एम्प्लॉयज है या पुराने एम्प्लॉयज है जो अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे पास, उसका ट्रैक ही जाएगा हमारे सिस्टम में। अभी बात समझ में, ठीक है। आप किसी को देख के खुश होते रहोगे कि अच्छा यार, लेकिन आपकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी कंपनी की, फिर आप सोचोगे यार मेरी कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। अरे बात समझ में, यानी जो हमने सिस्टम बनाया जिसके बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स देख देख के, और जो एक्चुअल काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट। तो ये हमारे पास उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा जो कि अभी कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। अरे बात समझ, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये पहली प्रॉब्लम आएगी जब हम डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमने एक ही टेबल में एम्प्लॉय भी स्टोर कर दिया और उसके प्रोजेक्ट की डिटेल भी क्या कर दी, समझ में आ गई बात। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, लेट्स सपोज अगर हम अपडेट करते हैं, लेट्स सपोज हमने E101 को शिफ्ट कर दिया है एडमिन डिपार्टमेंट में, इसमें डिपार्टमेंट में, सो E101 एडमिन डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि जहां जहां पे E101 है हर जगह क्या हो, एडमिन। एक भी अगर नहीं हुआ चेंज, तो यहां पे मैंने दो जगह पे इन दोनों प्रोजेक्ट्स में चेंज कर दिया, इस प्रोजेक्ट में चेंज करना भूल गया, तो ये अभी भी क्या है, सिस्टम। और अगर कोई बंदा देख रहा है यार कि ये P20 में कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो P20 में लेट्स उसको एक एम्प्लॉय आ रहा है और यहाँ पे अभी भी क्या लिखा रहा है, सिस्टम, जबकि इसकी ट्रांसफर कहां हो चुकी है। अरे बात समझ, क्लियर होगी बात। सो ये अपडेट करते हुए भी क्या आएगी आपको, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। डिलीट की क्या प्रॉब्लम आएगी, बड़े ध्यान से देखना। एज्यूम करते हैं कि इस एम्प्लॉय का ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो हमने इस रो को क्या कर दिया, डिलीट। इस रो को हमने क्या कर दिया, डिलीट। याद रखना, इस पूरे टेबल में फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जैसे ही हमने इसको डिलीट कर दिया, इसके डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी डिलीट होगी कि ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड कौन है। आ रही है बात समझ, क्लियर होगी बात।
तो अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो ये सिस्टम में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अब इस टेबल को, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो पार्शियल डिपेंडेंट है उन्हें अलग टेबल में ले जाएंगे। अब बड़े ध्यान से देखना, आज पार्शियल डिपेंडेंट था या होल डिपेंडेंट था, होल डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक टेबल बनेगा, एम्प्लॉय कोड, प्रोजेक्ट कोड एंड आज, अरे बात समझ में, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड किसके ऊपर डिपेंड है, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट, अरे ये बात समझ में, जो जिसके ऊपर डिपार्टमेंट है डिपेंडेंट है उसको अलग टेबल में अब दो टेबल बना लेंगे, अरे ये बात समझ में। अब ध्यान से देखो, क्लियर। अब मैं तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं जो हमें पहले आ रही थी। इंसर्शन में कोई इंप्लॉय अभी हमने हायर किया है, ठीक है, लेकिन अभी इसे कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं दिया। सो एंटर करो E509, कोई बात नहीं, अगर उसे प्रोजेक्ट नहीं दिया तो अभी उसका टेबल अलग हो गया, अरे बात समझ में, ठीक है। उस पर डेटा एंटर करो, ठीक है, आपने उसे हायर किया है, उसका डिपार्टमेंट में जिस आईटी में रिक्रूटमेंट किया, सेल्स में किया, जिसमें किया उसकी रिक्रूटमेंट डालो उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। अपडेशन, आपने E001 को सिस्टम से डाल दिया एडमिन में, तो अब एक ही जगह क्या हो रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड खत्म हो गए, अरे बात समझ में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 305 का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, P27 जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आपको उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो प्रोजेक्ट टेबल में उसका डेटा हमने क्या कर दिया, बट उससे उसके डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं रही, आइए बात समझ में, क्लियर हो गया बात, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्लियर है पॉइंट, ठीक है जी, राइट। सो अगर हमें एक रिलायबल सिस्टम बनाने हैं, तो जब डेटाबेस में टेबल्स बनाने हैं, तो ये सोच के बनाने पड़ते हैं कि उसको मिनिमम आप कोशिश करो भी आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक तो लेके जाओ अपने सारे टेबल्स को, ठीक है। सो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स, अगर है तो जो जिसके ऊपर डिपेंड है उसको अलग टेबल में ले जाओ, ठीक है जी, राइट। जो पार्ट जो होल है उनको एक टेबल में कर दो, ठीक है जी, और जो पार्शियल है उनको अलग टेबल में उसके साथ, जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। सो दिस इज योर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसे अब डाइजेस्ट करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड देन वी फाइनलाइज। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लास्ट नहीं है, इससे आगे भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, बहुत टाइम लग जाएगा आपको इन चीजों को करने में, बट अभी आप जो कैपेबल कर पाओगे मैं चाहता हूँ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक आप कर लो, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की आपको नॉलेज हो अच्छी तरह से सिस्टम में। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी, हम क्या बोलते हैं, जब ऑलरेडी वो किसमें हो, मतलब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो टेबल में, ठीक है, और देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑल्सो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम पर डिपेंड है और दूसरा कॉलम आगे किसी और कॉलम पर डिपेंड है, ठीक है जी, अगर वो भी आपके सिस्टम में है दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर सिस्टम, ठीक है। सो सेम रूल सेम रहेगा, जो कि डिपेंडेंट नहीं है उनको अलग टेबल में ले जाएंगे, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपके पास टेबल है, कौन सा, एम्प्लॉय, ठीक है, और एक टेबल हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। और लास्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। और अगर हम इस टेबल पे आए, ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सो डिपार्टमेंट हेड जो था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को, अरे ये बात समझ में। तो इसे आप लोग ट्रांजिटिव क्या बोलते हो, डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी,
ठीक है जी, जब आपका एक कॉलम दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा आगे किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोगों को प्रेफर करते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए कि एक और डिपार्टमेंट, अब जो इम्प्लॉय वाला टेबल बनाया था हमने ये वाला थोड़ी देर पहले अलग, जिसमें इम्प्लॉय को डिपार्टमेंट एंड क्या था डिपार्टमेंट, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दो इस टेबल को भी, ठीक है राइट, वो इस तरह से कर दो, ठीक है। सो एक टेबल बनेगा इम्प्लॉय, ठीक है जी, और ठीक है जी एक टेबल बनेगा डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड, ठीक है जी राइट। सो इस तरह से आपने इसको कर दो, ठीक है। और याद रखना कई बार हमें थर्ड टेबल भी बनाने पड़ते हैं, दो टेबल्स हैं हमारे पास लेकिन कई बार तीसरा टेबल इस तरह से बनाना पड़ता है। सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल रिलेशन के बेस पे भी। सो जितने टेबल डिवाइड होंगे उतने आगे जाके प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव वन टेबल, वन इज पेशेंट वन इज डॉक्टर, ठीक है राइट। अब पेशेंट एक एंटिटी है और एक एंटिटी कौन है डॉक्टर है, ठीक है जी राइट। अब दैट डजंट मीन के बुकिंग जो पेशेंट ने जो अपनी सर्विसेज देनी है वो सर्विसेज का जो टेबल है वो पेशेंट में डाल दो या डिपार्टमेंट में डाल दो डॉक्टर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक दिस वन, सो यू हैव लेट्स सपोज पेशेंट टेबल, उसमें क्या है पेशेंट आईडी पेशेंट नेम एंड लेट्स सपोज उसका जो भी एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट है आई एम नॉट श्योर, ठीक है राइट। और आप कहो किसी में कॉलम में ऐड कर दूं डॉक्टर आईडी कौन सा डॉक्टर है, वो नहीं करना, ठीक है। एंड लेट्स सपोज यू हैव वन मोर टेबल, उसमें हमारे पास क्या है डॉक्टर आई डी डॉक्टर नेम उसकी स्पेशलाइजेशन या जो भी वो सर्विसेज देख रहे हैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है जी राइट। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के आगे हम उस पेशेंट की रिकॉर्ड क्या कर दें स्टोर कर दें, डॉक्टर क्या पेशेंट देख रहा है, ठीक है नहीं। वी शुड बी क्रिएटिंग वन मोर टेबल लेट्स सपोज अपॉइंटमेंट नाम से, ठीक है, जहां पे हमारे पास डॉक्टर आई डी भी हो पेशेंट आई डी भी हो, ठीक है जी, जो डेट उसने देखनी है या जो भी उसकी सर्विस उसको देनी है आपने, अरे ये बात समझ में, ठीक है जी राइट। तो ये तीसरा टेबल बन जाएगा फिर उसके अंदर, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको याद रखना, ठीक है। बेसिकली योर गोल इज कि आप लोगों ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक अपने आप को क्या करना है कंफर्टेबल करना है मिनिमम, ठीक है, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड।